स्वागत है, मैं एक सही स्वागत करता हूँ अपने चैनल ड्रीम कार्स कम ट्रू में। स्वाद हमारे सामने खड़ी है टाटा की नेक्सॉन का डार्क एडिशन जो आप देख रहे हैं। ये एग्जेक्ट प्लस आपका टॉप वेरिएंट है, जो आपका डार्क एडिशन देखने को मिल रहा है। अलॉय व्हील्स वगैरह आपको बता रहा हूँ कितना टॉप वेरिएंट है आपका एग्जेक्ट प्लस। और बात की जाए अपना आज इस वीडियो में, इसका कंप्लीट आपको सारा रिव्यू, इसकी ऑल डिटेल्स आपको देखने को मिलेंगी। एंड बात करें अगर इसके वेरिएंट्स वगैरह की, कितना इसके वेरिएंट्स आते हैं, तो वेरिएंट्स इसके भाई 73-74 इसके वेरिएंट है। टाटा वालों को मेरे हिसाब से खुद नहीं पता होंगे कि इसके कितने वेरिएंट है। काफ़ी सबसे ज़्यादा वेरिएंट मेरे हिसाब से इसी के सबसे ज़्यादा आए हैं। ये आपकी जो आपकी आती है कॉम्पैक्ट एसयूवी टाटा की तरफ से आने वाली नेक्सॉन। एंड बात की जाए इसकी प्राइस रेंज की, तो 10,55,000 की एक शोरूम में आपको देखने को मिल जाती है ओवरऑल। और बात की जाए इसके ऑन रोड प्राइस की, तो आपको 12.5 लाख के ऑन रोड प्राइस में देखने को मिल जाती है। एक शोरूम प्राइस आपका 10,55,000 है। तो ये आपका ब्लैक में देखने को मिल रहा है डार्क एडिशन वेरिएंट। सबसे पहले बिना देरी के शुरू करते हैं इसके फ्रंट से, फ्रंट में आपको क्या क्या देखने को मिल जाता है। बात की अगर हेडलैम्प्स की, तो यहाँ पर जो आपको प्रोटेक्टर हेडलैम्प देखने को मिल रहे हैं, ये हेलोजन बेस्ड आपको देखने को मिलते हैं। नीचे आपको ये पूरा सबसे अच्छा DRL देखने को मिलता है, जो कि मुझे पर्सनली काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है DRL जो आपको देखने को मिलता है। एंड साथ ही साथ यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है हाई बीम के लिए, एंड ये आपका लो बीम के लिए है। देन बात की जाए नीचे साइड, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं फॉग लैम्प, जो कि ऑब्वियसली हेलोजन में देखने को मिल जाते हैं। एंड बात की जाए, आप सोच रहे होंगे यहाँ पर जो टर्न इंडिकेटर है, ये आपका दोनों तरीके से काम करती है। ये आपका काम करती है टर्न इंडिकेटर के लिए भी, और यहाँ पर DRL का भी काम करती है। जैसे ही ऑन करेंगे टर्न इंडिकेटर, जैसे आप हैरियर वगैरह में देखते हैं कि टर्न इंडिकेटर ऑन करने पे आपका DRL जल जाता है, वैसे इसका DRL भी ऑन हो जाता है, टर्न इंडिकेटर की तरह काम करता है। एंड बात की जाए ओवरऑल फ्रंट लुक से, तो देखने में काफ़ी गजब की लगती है। और बाकी जब ब्लैक रंग में डार्क एडिशन की बात की जाए, तो पूरा यहाँ पर ब्लैक कर दिया गया है, कहीं भी क्रोम का यूज़ आपको देखने को नहीं मिलेगा। जो आप देखते थे यहाँ पर ह्यूमिडिटी लाइन, वो भी आपकी यहाँ पर क्रोम में नहीं दी गई है, वो भी आपके डार्क पियानो ब्लैक में कर दी गई है। सिर्फ टाटा का लोगो आपको क्रोम में देखने को मिलता है ओवरऑल फ्रंट से, बाकी सब आपका पूरा ब्लैक में है। जैसा कि आप देख रहे हैं फ्रंट से, एक बार और अच्छे से लुक देखिए इसका, पूरा आपका डार्क में देखने को मिल जाता है। बात किया ओवरऑल इसकी विड्थ की, तो 1811 की आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है MM की विड्थ कम्प्लीटली, जो कि फ्रंट से गाड़ी को काफ़ी ज़्यादा आपको ब्रॉड लुक प्रोवाइड कराती है। देखने में गाड़ी काफ़ी अच्छी लगती है, ब्लैक कलर तो इसमें बिल्कुल चार चांद लगा रहा है। साइड में चल के बात की जाए इनके अगर टायर साइज़ की बात करें टायर की, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं गुडियर के टायर। एंड बात की जाए साइज़ वगैरह की, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं 16 से आपको अलॉय व्हील देखने को मिल जाते हैं, जो कि आपके यहाँ पर कुछ ग्रे कलर में दिए गए हैं, प्योर डार्क में नहीं देखने को मिलता है। बट बाकी बॉडी आपकी ओवरऑल पूरी डार्क देखने को मिल जाती है, 16 के अलॉय व्हील देखने को मिल जाते हैं। फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाता है, यहाँ पर हैशटैग डार्क की बैटिंग देखने को मिल जाती है, एंड पूरा ब्लैक में है। ORB भी आपको ब्लैक में देखने को मिल जाती है, टर्न इंडिकेटर आपको यहाँ देखने को मिलते हैं, फेंडर पे आपको सिर्फ हैशटैग डार्क की बैटिंग देखने को मिल जाती है। एंड ओवरऑल साइड की बात किया, तो कुछ प्रकार की आपको देखने को मिल जाती है। साइड से लुक आपको साइड से चल के दिखाते हैं, तो ये कुछ आपका साइड लुक है। आगे से लेकर चलते हैं, ये आपकी DRL चमकती हुई काफ़ी अच्छी लग रही है। नीचे देखेंगे टायर साइज़, एंड बाकी ये पूरा आपका देखने को मिल रहा है इसका साइड एरिया, जो आपको देखने को मिलता है। बात की है इसकी ओवरऑल लेंथ की, तो यहाँ पर 3993 mm की लेंथ देखने को मिल जाती है, और 1606 mm की आपको इसमें हाइट देखने को मिल जाती है। जितनी आप इसकी हाइट देख रहे हैं, हाइट और लेंथ की बात की जाए फ्रंट, मैंने विड्थ से दिखाई, ओवरऑल काफ़ी अच्छी आपको देखने को मिल जाती है कॉम्पैक्ट SUV। Kia Seltos से कंपैरिजन करेंगे तो भाई बात ही अलग है, वो अलग चीज़ है और ये अलग चीज़ है। इसका दबदबा अलग है, इसका ब्लैक कलर अलग है, और ये जो चीज़ है सबसे ज़्यादा बढ़िया मुझे लगती है, क्योंकि टाटा की है, इंडियन ब्रांड है, तो देखने में और अपने पर्सनली फील भी आता है कि इंडियन ब्रांड की गाड़ी आप चला रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा देखने को लगता है। बात की अगर इसके नीचे कितना आपको देखने को मिल जाता है ग्राउंड क्लियरेंस, तो 209 का आपको यहाँ पर ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाता है। एंड बात की जाए ओवरऑल रिक्वेस्ट सेंसर वगैरह की, तो यहाँ पर आपको रिक्वेस्ट सेंसर देखने को नहीं मिलता, जो कि पैसेंजर साइड है, ड्राइवर साइड में आपको देखने को मिल जाता है। हैशटैग डार्क की बैजिंग आपको दोनों साइड देखने को मिल जाती है। ये पैसेंजर साइड वाला डोर आप देख रहे हैं, इस साइड चल के देखते हैं उधर साइड, ड्राइवर साइड में आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है रिक्वेस्ट सेंसर कम्प्लीटली। एंड बात की जाए पीछे साइड की, तो पूरा आपको ब्लैक करके दिया गया, चाहे ऊपर आपको रूफ रेल्स की बात किया, तो रूफ रेल्स भी आपको पूरी ब्लैक में देखने को मिलती है। एंड यहाँ पर जो आपका बी पिलर वगैरह है, वो भी आपको यहाँ पर ब्लैक माउंट में, और सी पिलर यहाँ पर पूरा ब्लैक में देखने को मिलता है। क्रोम वगैरह का यूज़ आपको कहीं देखने को मिलेगा, पूरी ब्लैक गाड़ी है, नीचे भी ब्लैक आपको देखने को मिल जाते हैं। सबसे प्यारी टेल लाइट्स की बात की जाए, तो ये आपको LED में देखने को मिल जाती हैं, ये आपकी नॉन स्टॉप जलती रहेंगी, डिफ्यूज़ में आती हैं। यहाँ पर टर्न इंडिकेटर आपको देखने को मिल जाता है हैलोजन में, एंड यहाँ पर आपको रिवर्स पार्किंग लैंप, जब आप रिवर्स गियर ऑन करते हैं तो ये आप चलता है वाइट कलर में। नेक्सॉन को भी यहाँ पर कर दिया गया है पूरे ब्लैक कलर में, जैसा कि आप नीचे देख रहे हैं, ये आपका नेक्सॉन देखने को मिलता है पूरा ब्लैक में देखने को मिलता है। सिर्फ टाटा का लोगो आपको पूरी गाड़ी में क्रोम में मिलेगा। रिवर्स पार्किंग कैमरा यहाँ देखने को मिल जाता है, वाइपर ये देखने को मिल जाता है, डिफॉगर आप देख ही रहे हैं, डिफॉगर वगैरह यहाँ पर, वोकल फॉर लोकल की बैजिंग, हाई माउंटेड स्टेप लैम्प, एंड ऊपर देखने को मिल जाता है आपका शार्क फिन एंटीना वगैरह। एंड यहाँ पर बने हैं आपके ये दो देख रहे हैं हमारे बने हुए तेंदुए चीते वगैरह जो आपके हैं, पीछे आपको देखने को मिल जाता है कुछ प्रकार का, काफ़ी अच्छा लुक है। एंड ये जो DRL है काफ़ी ज़्यादा मेरा ध्यान आकर्षित कर रही है,
नीचे आपको देखने को मिल जाता है यहाँ पर रिफ्लेक्टर वगैरह जो कि दोनों साइड आपको देखने को मिलते हैं। नीचे प्लेट के लिए आपको ये लाइट्स देखने को मिल जाती हैं जो कि आपको LED में देखने को मिलती हैं। और यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है बटन जिससे आप इसको बूट को एक्सेस कर सकते हैं। अब ये पीछे आ गए तो बूट आपको खोल कर दिखाई देते हैं। जैसे ओपन करेंगे बूट को तो ये कुछ प्रकार का आपको बूट देखने को मिल जाता है। 350 लीटर्स की आपको इसमें बूट स्पेस देखने को मिल जाती है। ओवरऑल पार्सल ट्रे वगैरह भी इसमें आपको देखने को मिलती है। और ऊपर साइड देखेंगे तो यहाँ पर आपको ये देखने को मिल जाता है ओवरऑल इसको बंद करने के लिए लीवर वगैरह जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं। थोड़ा दिखाएंगे तो ये आपका पूरा लुक देखने को मिलता है जैसा कि ये देख रहे हैं। बंद करते हैं इसको अगर तो भाई अच्छा खासा वेट है, काफ़ी अच्छा फीचर्स लुक देखने को मिलता है ओवरऑल। चलते हैं अब, ये तो हो गए ओवर उसके बाहर की बात। वाह भाई लाइट ये हो गया कम्प्लीटली, अंदर चल के देख। तो भाई डोर को ओपन करें तो कुछ प्रकार से अपना करती है टी 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 वगैरह। पूरा ब्लैक में आपको थीम देखने को मिल जाती है यहाँ पर जो देख रहे हैं पूरा ब्लैक में। चार पावर विंडो देखने में जाती, थोड़ी स्पेस नीचे यहाँ पर बॉटल होल्डर तो नहीं कहेंगे, बाकी यहाँ पर मैगजीन वगैरह आप रख सकते हैं। नीचे आपको देखने को मिल जाता है यहाँ पर अम्ब्रेला होल्डर जरूर मिल जाता है, ये देखने को मिल रहा है। स्पीकर ग्रिल यहाँ देखने को मिल जाती है। यहाँ पर आपको ट्विटर देखने को मिल जाता है जैसे कि आप देख रहे हैं अंदर। यहाँ पर लेवर देखने को मिल जाता है जो कि पूरा ब्लैक में, तो पूरा ब्लैक थीम में आपको देखने को मिलता है। और यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं आपके कम्प्लीटली लेफ्ट राइट करने के लिए ऑटोमेटिक IRVMs। तो यहाँ पर पूरी लेदरेट सीट्स देखने को मिल जाती है, ये पूरा देख रहे हैं लेदरेट। एंड बाकी ये ट्रायरो डिज़ाइन आपको सीट्स पे देखने को मिल जाता है। हाइट एडजस्टमेंट के साथ आपको सीट्स देखने को मिल जाती हैं कम्प्लीटली, और रिक्लाइन एंगल तो आप जानते ही हो ही जाता है। बाकी बात करते हैं अंदर चल के बैठ के क्या क्या देखने को मिलता है। करते हैं सबसे पहले डोर को बंद। तो भाई डोर को बंद करने के बाद कुछ प्रकार से आपको देखने को मिलता है। अब अंदर आ गया, सबसे पहले की बात करें तो भाई जो शोरूम जिनने मुझे की प्रोवाइड कराई उनको की नहीं मिली, तो उन्होंने ये पूरा गुच्छा ही मुझे थमा दिया कि गाड़ी अंदर से आपकी कम से कम चलती तो रहेगी की वजह से। तो भाई की आप देखो सभी सेम है, दिखा दो तो मैं एक ही की दिखा देता हूँ। तो ये कुछ प्रकार की आती है आपकी, लॉक अनलॉक आपको देखने को मिल जाता है बाकी लाइट के लिए, और प्रेस करके रखेंगे तो आपका बूट अनलॉक हो जाएगा। तो ये नॉर्मल की होगी कम्प्लीटली इसके अंदर जो आपको देखने को मिल रही है। तो बाकी बात की जाए स्टेयरिंग व्हील की, तो स्टेयरिंग व्हील आपको यहाँ पूरा लेदरेट देखने को मिल जाता है। यहाँ पर पूरे आपके टेलीफोनिक कंट्रोल प्लस माइनस के, और बाकी कॉल रिसीव एंड कट करने के लिए क्रूज कंट्रोल वगैरह के यहाँ पर कंट्रोल्स आपको देखने को मिल जाते हैं ओवरऑल। बीच में आपको टाटा का लोगो और नेक्सॉन का देखने को मिल जाता है पूरा यहाँ पर। बाकी यहाँ पर देखने को मिल जाता है पूरा आपका फिनिश जो कि पियानो ब्लैक का फिनिश है जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं ओवरऑल। एंड बात की जाए इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, तो ऑन करें सबसे पहले यहाँ पर देखने को मिल जाता है आपको स्टार्ट स्टॉप का बटन। जैसे यहाँ प्रेस करें कम्प्लीटली सिंगल टाइम डबल टाइम, ये देखिए ऑन होते साथ IRA के यहाँ पर देखने को मिल जाता है। अरे भाई देखो नीचे कितनी तेज फैन चल रहा है। सबसे पहले तो उसको म्यूट करेंगे, अरे यहाँ बिल्कुल लो करते हैं, बिल्कुल लो वन पे कर देते हैं। तो बात किया है यहाँ पर तो जैसे आप देख रहे हैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो कि पूरा यहाँ पर ज़ीरो हो चुका है। एंड बात की जाए इसके बाद फ्लैश ऑफ कर लेता हूँ मैं। फ्लैश ऑफ करने के लिए जैसे ही मैंने यहाँ पर फ्लैश को ऑफ़ किया, ये आप देख रहे हैं नीचे आपको ट्रिप मीटर वगैरह देखने को मिल जाता है 270 तक के, आप जैसे देख सकते हैं 27 किलोमीटर इसकी ट्रिप वगैरह आपको देखने मिल जाती है एवरेज वगैरह जो कि इसमें 8 की दिखा रहा है। चलिए कितनी भाई, फ्यूल बहुत कम है इसमें इस समय। ऊपर खड़ी शोरूम में तो जानते हैं, और ये मुझे बता रहा है कि आप जैसे ही क्लच दबाएंगे और बटन को प्रेस करेंगे गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। तो बाकी सारी आपको डिटेल्स देखने को मिल जाती है यहाँ पर, आपको देखने को मिल जाता है इस साइड में जो कि आप देख रहे हैं लेफ्ट साइड में आपका देखने को मिल जाता है टैकोमीटर। और यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है फ्यूल की पूरी, आपको ये इंडिकेशन दिखा रहा है फ्यूल वगैरह। बीच में आपको स्पीडोमीटर देखने को मिल जाता है। तो ये हो गया आपका कम्प्लीटली जो आपको देखने को मिलता है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, काफ़ी अच्छा है। बात की जाए हेडलैम्प्स वगैरह की, जो यहाँ पर ऑटोमेटिक आपको हेडलैम्प्स देखने को नहीं मिलते हैं, ऑफ मैंने कर दिया है। यहाँ पर कोई ऑटोमेटिक सेटअप देखने को नहीं मिलता है, बट वाइपर जो है आपके ये ऑटो में देखने को मिल जाते हैं जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं। तो ये अच्छी बात है। बात की अगर इसके जो आपको देखने को मिल जा रहा है स्टेयरिंग व्हील, इसके एडजस्टमेंट की, कैसा एडजस्टमेंट है, सीट में पीछे कर लिया है, बाकी इसको नीचे करते हैं। तो नीचे करने के बाद जो टिल्ट में तो आता ही है कम्प्लीटली, आपका टिल्ट कर सकते हैं, बाकी टेलीस्कोपिक में आपको ये देखने को नहीं मिलता है। तो टिल्ट फीचर है कोई बात नहीं, काफ़ी अच्छा है। टिल्ट में भी आपको काफ़ी कोई दिक्कत नहीं होने वाली आपको जब नहीं दिया गया इसमें। बाकी बात की जाए ओवरऑल इसके साइड की, तो ये आपका देखने को मिल रहा है हारमन का जो कि आपका टच स्क्रीन दिया गया है इन्फोटेनमेंट कम्प्लीटली। अगर बात किया है इसमें क्या क्या देखने को मिलता है, तो एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले वगैरह सब कुछ सपोर्टेड जैसा कि आप वहाँ पर देख सकते हैं। टैप टू पेयर वगैरह सब कुछ कर सकते हैं यहाँ पर, ब्लूटूथ वगैरह सब कुछ तो नॉर्मली मिल जाएगा म्यूज़िक वगैरह के लिए। और बाकी इसका जो टच रिस्पॉन्स है काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है। साइड वगैरह करते हैं तो USB रेडियो और बाकी सब कुछ आपको इसमें काफ़ी अच्छी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। ऑडियो सेटअप भी देखने को मिल जाता है, इससे आपने ऑडियो सेटअप कर सकते हैं, आईपॉड वगैरह भी कनेक्ट करने के लिए देखने को मिल जाता है, थीम साउंड डेमो। तो इसमें काफ़ी अच्छा काफ़ी कुछ देखने को मिल जाता है। हारमन की बैजिंग ऊपर आपको देखने को मिल जाती है जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, इसमें दिखाता हूँ आपको ये कुछ यहाँ पर हारमन की बैजिंग आपको देखने को मिल रही है, चमकती है थोड़ी
क्योंकि उस टाइप में बात की है। यहाँ पर पूरा नीचे आपको नेक्सॉन की यहाँ बैजिंग देखने को मिल जाती है एसी वेंट पर कम्प्लीटली। ये सब ओवरऑल नीचे ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल में एसी देखने को मिल जाता है। एंड ये सबसे अच्छा मुझे लगता है एक्सप्रेस कूल मोड, जैसा कि मैंने इसका जिक्र कई बार किया है। जैसे आपको गर्मियों में जो दिक्कतें होती हैं इस मोड के बारे में, इसको दबा करके आप पूरी गर्मी गाड़ी की बाहर निकाल सकते हैं जब भी आप कहीं बाहर से आते हैं। इससे क्या होता है, इसको दबाने के बाद आपके चारों सीटें डाउन हो जाते हैं और ये काफ़ी अच्छा फ़ैन को ऑन करके सारी हीट को बाहर निकाल देता है ऑटोमेटिक, सिर्फ इस बटन को प्रेस करने के बाद। बात की है, पूरा कंसोल आपका पूरा ब्लैक में देखने को मिल जाता है, आर्मरेस्ट वगैरह भी इसमें देखने को मिलता है। इसको ओपन करते हैं तो यहाँ पर कम्प्लीटली ये पूरा ओपन हो जाता है, और आर्मरेस्ट ओपन करेंगे तो यहाँ पर अंदर आपको देखने को मिल जाते हैं दो कप होल्डर वगैरह, थोड़ी स्पेस, ये पूरा कंबाइंड आपको देखने को मिलता है। इसको बंद करेंगे, ये आपका नॉब देखने को मिल रहा है मोड वगैरह का, सिटी इको और स्पोर्ट्स ड्राइव मोड। जैसे कि हम इकोनॉमी सारे ड्राइव मोड्स में आपको देखने को मिल जाते हैं, जैसे देख रहे हैं ड्राइव मोड वगैरह आपको देखने को मिल रहा है, जैसे मैंने किया स्पोर्ट ड्राइव मोड एक्टिवेटेड। तो भाई ड्राइव मोड के बारे में बताता है कम्प्लीटली, जो जो आपके ड्राइव मोड वगैरह हैं। तो ये हो गया पूरा आपका गियर नॉब, सिक्स गियर स्पीड के साथ आता है, रिवर्स आपको देखने को मिल जाता है, पूरा लेदर रैप्ड है, पियानो ब्लैक की फिनिश है, पूरा कंसोल भी आपको ब्लैक में देखने को मिल जाता है। ये देखने को मिल जाती है आपकी हैंडब्रेक वगैरह, एंड नीचे आपको यहाँ पर देखने को मिलता है ये आपका है, इसको प्रेस करते हैं तो एक ग्लोव बॉक्स वगैरह, पूरे नीचे लाइट देखने को मिल जाती है, कूल आपको देखने को मिल जाता है, काफ़ी अच्छा है। ऑटोमेटिक एसी वगैरह जैसा कि मैंने आपको बताया, सब कुछ काफ़ी बढ़िया है। डे एंड नाइट वाला यहाँ पर नॉर्मल आयरविन दिया गया, ऑटोमेटिक ऑटो डिमिंग नहीं देखने को मिल जाता है। ऊपर साइड की बात करें तो यहाँ पर नॉर्मल सा आपको टिकट होल्डर बस देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है एलईडी लाइट, जो कि मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छी लगी। और पूरा ब्लैक थीम है यहाँ, पूरी आपको जो रूफ है रूफ भी आपकी ब्लैक थीम देखने को मिल रही है, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। बाकी यहाँ पर माइक्रोफोन वगैरह देखने को मिल जा रहा है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं माइक्रोफोन वगैरह के लिए। एंड यहाँ पर साथ ही साथ इस साइड में वैनिटी मीटर आपको देखने को मिल जाता है, जैसे ही ऑन करते हैं वैनिटी मीटर सब कुछ इसमें प्रोवाइडेड है। तो ये तो गैन पूरी आपकी आगे की बात कम्प्लीटली। सीट्स वगैरह भी काफ़ी अच्छी हैं, देख सकते हैं इनका पूरा टेक्सचर वगैरह, हेडरेस्ट आपको देखने को मिल जाते हैं, ऊपर आपको सनरूफ देखने को मिल जाता है, ये काफ़ी अच्छी बात है। 10,55,000 की एक्सशोरूम प्राइस में 12 बता रहा हूँ, टाटा की नेक्सॉन जो डार्क एडिशन में देख रहा हूँ या आप देख रहे हैं इस समय एग्जेट प्लस। ये हो गई बात भाई पूरी ओवरऑल फ्रंट की, चलते हैं इसके अंदर पीछे साइड क्या क्या आपको देखने को मिलता है। तो भाई हल्का सा ब्लर आ गया था, चलते हैं पीछे साइड क्या क्या इसमें देखने को मिलता है, इसके रियर साइड में क्या क्या देखने को मिलता है। डोर को जैसे ओपन करें तो यहाँ पर नॉर्मल आपको देखने को मिल जाएगा पूरा पावर विंडो कंट्रोल, पूरा पियानो ब्लैक फिनिश। बाकी नीचे आपको देखने को मिलता है यहाँ पर स्पीकर ग्रिल, और यहाँ थोड़ी स्पेस वगैरह देखने को मिलती है। बात किया इंटीरियर की तो मैंने सीट को पीछे कर दिया, तो बाकी उधर साइड में बैठ कर दिखाऊंगा क्या आपको देखने को मिलता है स्पेस वगैरह। एडजस्टमेंट हेडरेस्ट आपको देखने को मिल जाते हैं, और काफ़ी यहाँ पर लेदर सीट्स वगैरह आपको देखने को मिलती हैं। बंद करते हैं सबसे पहले डोर को, ये वाइट डोर बंद हो गया थोड़ा सा जैसे ही करते हैं। तो भाई रियर सीट में जैसे हम लोग बैठ चुके हैं, बात किया लेग रूम वगैरह की तो लेग रूम वगैरह काफ़ी अच्छा यहाँ देखने को मिलता है। ये पूरा लेग रूम जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी अच्छा लेग रूम आपको देखने को मिल जाता है, हेडरूम की भी कोई कमी नहीं। मैंने बात पहले की क्योंकि ये जो कॉम्पैक्ट एसयूवी है सबसे अच्छी मुझे लगती है, सबसे अच्छी क्योंकि इसका प्राइस रेंज है, फीचर्स हैं, लुक हैं, खासकर डार्क एडिशन की तो बात ही अलग है भाई। पीछे से आप देख सकते हैं ये कुछ प्रकार का आपको व्यू देखने को मिल जाता है, पूरा ब्लैक थीम है। डार्क एडिशन आपने लिया है ना तो पूरा पूरा आपको वैल्यू देखने को मिलेगी क्योंकि पूरी ब्लैक है, कहीं भी आपको क्रोम नहीं दिखेगा, सिर्फ और सिर्फ टाटा के लोगों के अलावा। बीच में आपको देखने को मिल जाता है नॉर्मली यहाँ पर, ये अच्छी बात है, आपको यहाँ पर आर्मरेस्ट देखने को मिल जाता है, जैसे मैं आपको ओपन करके दिखाऊंगा। तो भाई ये पन्नी में फंसा हुआ है, कर दें आपके लिए ओपन, चलो भाई कर दिया। बीच में आपको देखने को मिल जाते हैं दो कप होल्डर वगैरह, बाकी इसको कर देते हैं ऐसे बंद। सीट का कुशन और भाई कम्फर्ट काफ़ी अच्छा है, पीछे आपको देखने मिल जाते हैं एसी वेंट वगैरह, और यहाँ पर कोई बाकी है आपके नीचे देखने को नहीं मिलते हैं यूएसबी पोर्ट, एसी वेंट आपको पीछे देखने को मिल जाता है तो गर्मी से भाई राहत मिलेगी। तो बाकी ये पीछे का भाई काफ़ी अच्छा है, ऊपर यहाँ पर देखने को मिल जाता है हैंडल बार दोनों साइड, पीछे कोई भी कमी नहीं है, पीछे आपको बूट वगैरह दिखाई दिया है। तो ये ओवरऑल था कम्प्लीट, चलते हैं इसके इंजन डायमेंशन पर क्या क्या आपको देखने को मिलता है, करते हैं यहाँ से डोर को ओपन। सो बात की जाए इंजन की तो यहाँ पर इंजन जो डायमेंशन आप देख रहे हैं कम्प्लीटली, इंजन जो यहाँ पर देख रहे हैं जैसे, तो आपको पेट्रोल इंजन देखने को मिल जाता है जो कि 1.2 लीटर का देखने को मिलता है, 1200 cc का इंजन है आपका कम्प्लीटली, 1198 cc का इंजन देख रहे हैं। बात की है पावर की तो आपको 118 bhp की पावर और 170 Nm तक का टर्न रोड टॉर्क जनरेट करके दे देता है। ओवरऑल माइलेज की बात की जाए तो यहाँ पर आपको जो कम्प्लीटली ये रहा है माइलेज 17 तक का कम्प्लीट क्लेम किया गया है, और बाकी सिटी माइलेज 13 तक का आपको क्लेम करके देखने को मिल जाता है इसमें। तो ये हो गया ओवरऑल कम्प्लीटली रिव्यू कम्प्लीटली आपके लिए। रिव्यू कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर जरूर बताएं, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, थैंक यू सो मच।